मुझे इसने अधूरा छोड़ गए, हम सब से नाता तोड़ गए। मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ, कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है। मैं जब भी आता हूँ काम से तो मेरी माँ को देखकर बहुत बहुत माया लगता है। सर मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ, ना खाने का ठीक है ना पीने का ठीक है, फिर भी मैं अपनी माँ के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करता हूँ खेतों में। और माँ बोलती है कि जाओ खेतों में काम करो, तो मैं वही काम करता हूँ सर। और काम कर कर जो है कुछ मिलता है तो माँ को ले आकर मैं दे। क्या बताया सर, अपनी मजबूरी सर, मैंने जो किया सर बहुत बड़ा गलती किया सर। मैंने पैसा को कभी पैसा नहीं समझा सर, आज मैं समझता तो मैं इतना बड़ा गरीब नहीं होता सर। मुझे खुद अपने आप पर शर्म आ रही है सर, मैं क्या करूँ। मैं बकरी चराता हूँ सर, खेतों में काम करता हूँ, और जो भी पैसा होता है तो माँ को ले आकर सर मैं देता हूँ सर। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है सर। अच्छा, कहाँ से हो आप सर? सर मैं बिहार से आया हूँ सर, बहुत दूर से आया हूँ सर। क्या बात है, वाओ। थैंक यू सर। बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फैमिली बैकग्राउंड, हमें सब बताइए, जानना है। मैं अपनी मजबूरी क्या बताए सर, मैं क्या कहूँ सर, कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं बोल दे रहा हूँ सर। मेरा पापा और मम्मी बहुत गरीब है सर, इतना गरीब है कि क्या कहा जाए सर। वो कभी भी सुकून का खाना नहीं खाते हैं सर, किसी दूसरे के खेतों में काम धान करते रहते हैं सर, और उसी में हम भी काम करते हैं सर। एक रोज की बात है सर, जब मैं काम अपने खेतों में कर रहा था तो पापा ने एक गाना सुना हमारा, और पापा जी बहुत खुश हुए सर, और बोला अरे बेटे तुम इतना अच्छे गाना गा लेते हो, इंडियन आइडल में क्यों नहीं ट्राई करते हो, जाओ तुम इंडियन आइडल में जाकर गाना गाओ, मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत बड़ा एक दिन सुपर स्टार बनोगे। की माँ से कहना चाहूंगी, राम जितना बड़ा नहीं है मेरा बेटा अभी, लेकिन कुछ दिन नहीं मिलती हूँ बेटे से तो मेरी हालत क्या हो जाती है। स्पेशली जब मैं ट्रीटमेंट के लिए भी थी तो मेरी हालत क्या हो रही थी। राम आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी माँ की हालत क्या हुई होगी, 7 साल मिले नहीं है, देखा नहीं है। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाए और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। थैंक यू सर। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वह बहुत बहुत दर्द भरी गाना है। जो इस गाने को सुनेंगे, जो समझेंगे, वो भी आंखों से आंसू बहा देंगे। तो प्लीज़ मैम, मुझे मौका मिला हुआ है, आप लोगों के कदमों में मैं आया हूँ, तो प्लीज़ भाई लोग मेरे लिए एक एक व्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे सहायता करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मैं गाना गाने जा रहा हूँ मैम। चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। मोहब्बत की शम्मा जला के गए हैं, इसे कोई पैदा नहीं है बुझाने वाला।
अपने लहू से लिख के संविधान। पापा का एहसान मत भूलना, जय भीम जय भीम तुम बोलो ना। जमी से उठा के पलक पे बिठाया, इंसाफ सबको मिले ये पीड़ा उठाया। जमी से उठा के पलक पे बिठाया, इंसाफ सबको मिले भीम, जय भीम तुम बोलो ना। जय भीम जय भीम तुम बोलो ना। मजबूर थे हम, लाचार थे, सबकी नजर में बेकार थे। मजबूर थे हम, लाचार थे, सबकी नजर में बेकार थे। पापा ने ऐसी रचना जगी, पापा का बलिदान मत भूलना। जय भीम जय भीम तुम बोलो ना। जय भीम जय भीम तुम बोलो ना। मिशन अधूरा छोड़ गए, हम सब से नाता तोड़ गए। मिशन अधूरा छोड़ गए, हम सब से भीम जय भीम तुम बोलो ना। जय भीम जय भीम तुम बोलो ना। Absolutely a finale performance. इंद्रजी जी,
आपकी जो सादगी है ना, वो एक तो पहली बार तो मेरा उसी पे दिल आ गया. ऊपर से आपने जिस तरह से गाया है और उसमें जो सोल, यू नो, आपकी सोल बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो वही गाने में भी सुनाई देती है. Thank you. और वही है जिसने मेरा दिल जीत लिया, तो मेरे तरफ से डेफिनेटली हाँ है. क्या बात है. आइए और गोल्डन टिकट ले जाइए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.